everyone, welcome back to my channel Love My Life. This is Kirti and this is another video from my city Varanasi. So basically this is gonna be a very special video because इसमें मैं बनारस की एक बहुत ही अद्भुत बहुत ही खास मंदिर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो कि है मणि मंदिर. सो ये दुर्गा कुंड एरिया में है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मंदिर है और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सारे भोलेनाथ के दर्शन करने को आपको मौका मिलेगा वो भी एक साथ क्योंकि यहाँ बहुत सारे शिवलिंग हैं और ये मंदिर बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाई गई है. तो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए आपको दिखाते हैं बनारस का मणि मंदिर. सो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ये मंदिर दुर्गा कुंड एरिया में है. तो जब आप वॉक करके अंदर जाते हो तो आपकी नज़र पड़ेगी इस बड़े से गौशाला में जहाँ बहुत सारी गाय एक साथ देखने को मिल रही थी. सो गौशाला से आगे बढ़ते ही आपको दिखेगा मंदिर का मेन डोर मेन एंट्रेंस. ये है बनारस के मणि मंदिर का मेन एंट्रेंस. तो हम सुबह के टाइम आए हैं एंड ये संडे का दिन है तो संडे के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है एंड स्पेशली टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें भी काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ा था. चलिए अब अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि अंदर से ये मंदिर कितना खूबसूरत है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मंदिर का सीलिंग है जहाँ पे हर तरफ ओम बना हुआ है एंड ओम और बहुत सारे यहाँ पे बेल्स भी बने हुए हैं. ये सीलिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की गई थी और इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पे एक साथ 151 शिवलिंग स्थापित हैं. मतलब जहाँ तक आप नज़र घुमाओगे आपको महादेव का दर्शन होता रहेगा. तो चलिए आपको दिखाते हैं मणि मंदिर के महादेव. सो चाहे आप राइट साइड जाओ चाहे आप लेफ्ट साइड जाओ चाहे आप सेंटर में जाओ यहाँ तो हर कण में भोलेनाथ हैं. इस मंदिर में कदम रखते ही आपको एक दिव्यता का एहसास होगा. तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ एक लाइन से शिवलिंग रखे गए हैं और सारी शिवलिंग का साइज एक ही है वो एक ही तरीके से बनाए गए हैं और एक ही तरह से रखे गए हैं. और ऑलमोस्ट इनका श्रृंगार भी एक ही तरह से किया गया है. ये देखने में काफी अद्भुत लग रहा था. पर वैसे तो बनारस में बहुत सारी खूबसूरत मंदिर बनाई गई है भोलेनाथ की और उनमें से एक है महामृत्युंजय मंदिर जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट किया था और मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे एक साथ आपको कितने सारे भोलेनाथ का दर्शन करने का मौका मिलेगा. और ये मंदिर भी कुछ उसी तरह से खास है क्योंकि यहाँ पे भी एक साथ आपको बहुत सारे भोलेनाथ का दर्शन करने का मौका मिल रहा है. और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये परशुराम जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे. भोलेनाथ के साथ साथ यहाँ पे आपको राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी का भी दर्शन करने का मिलेगा. ये बेहद खूबसूरत सी मूर्ति रखी गई है हमारे सिया राम. सो मंदिर के दूसरे साइड आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा द्वादश ज्योतिर्लिंगों का. तो आप देख सकते हो कि ये ज्योतिर्लिंग कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर. इनकी लाइटिंग एकदम अलग तरीके से थी और इनका रिफ्लेक्शन इतना अच्छा था शायद मेरे कैमरा में आपको इतनी खूबसूरती से ना दिखाई दे बट ये रियल में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. हम इसको दूर से देख सकते थे क्योंकि ये शीशे के बाहर से मैंने रिकॉर्ड किया है लेकिन यहाँ की दिव्यता अद्भुत थी. सो सिंस संडे का दिन था तो यहाँ पे हमें लाइव परफॉर्मेंस देखने का भी मौका मिल गया था.
आगे बढ़ते हैं मंदिर की दूसरी साइड, जहाँ पे आपको अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियों का दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये है हमारे बजरंग बली, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, और ये है हमारे गौरी शंकर। तो गौरी शंकर की ये मूर्ति यहाँ की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रही थी। और अगर आगे बढ़े तो हमें दर्शन करने को मिलेगा लक्ष्मी नारायण का। तो ये है हमारे लक्ष्मी नारायण। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं मंदिर के सेंटर में। So, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे भोलेनाथ एक साथ विराजमान हैं, हर तरफ शिव शिव। यहाँ की दिव्यता कुछ अलग ही है, जैसे ही आप इस मंदिर में एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा। तो वैसे मैं तो संडे के दिन यहाँ पे आई थी, इसलिए मुझे थोड़ी भीड़ का सामना करना पड़ा था। मैं काफ़ी टाइम तक इस मंदिर में थी, तब जाकर मैंने इतना सारा शूट किया है, क्योंकि जब मैं मंदिर में पहली बार गई थी तब तो मैं बिल्कुल भी फील करना चाहती थी उस फीलिंग को। मैं काफ़ी टाइम तक मंदिर पूरा घूमने के बाद फिर मैंने शूटिंग शुरू की। तो इस मंदिर में आने का सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग टाइम ही है, क्योंकि इस टाइम आप जल भी चढ़ा सकते हो भोलेनाथ पे। और वैसे इन शिवलिंग्स पे जल चढ़ाना नहीं है, जो मेन वाली शिवलिंग है जो आपको मंदिर के स्टार्टिंग में दिखेगी एंटर करते ही, वहाँ पे आपको जल चढ़ाने का मौका मिलेगा भोलेनाथ पर। बनारस की बहुत सारी मंदिरों से मेरा बहुत अद्भुत नाता है, कनेक्शन है, बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी है मेरी, और बहुत सारे चमत्कार मैंने यहाँ पे फील किए हैं, बहुत सारी अलग अलग फीलिंग फील करी है। लेकिन इस मंदिर में आके जो फीलिंग है बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इतने सारे भोलेनाथ, मतलब यहाँ तो ऐसा है कि इतने सारे लोगों की भीड़ भी आ जाएगी तब भी सबको अपने अपने एक भोलेनाथ मिल सकते हैं पूजा और दर्शन करने के लिए। कल हमारी काशी में तो कण कण में शंकर भगवान विद्यमान है, और इस बात का प्रतीक है ये मंदिर। वैसे तो ये मंदिर बहुत ही बड़े स्पेस में बनाया गया है, तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी तो आपको दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपको दर्शन होगा मेन वाली शिवलिंग का, बहुत बड़े से वो भोलेनाथ हैं जिनका मैं भी दर्शन आपको कराऊंगी। उसके बाद आपको दोनों तरफ ये शिवलिंग विराजमान दिखेगी, जो 151 शिवलिंग है वो विराजमान है। और इसके बाद मंदिर की दूसरी तरफ आपको अन्य देवी देवताओं का दर्शन करने मिलेगा, जिसमें से है हमारी अन्नपूर्णा माता। तो ये है हमारी अन्नपूर्णा माता और भोलेनाथ। हर हर महादेव। और यहीं से परिक्रमा करने का रास्ता भी जाता है, जहाँ पे और देवी देवताओं का दर्शन आपको करने का मौका मिलेगा, लाइक गणपति बप्पा। वेल, धूप काफी ज्यादा हो गई थी और ये शीशे में पैक था, इसलिए मूर्ति इतनी क्लियरली नहीं देख पा रही है। ये है सूर्य देवता। ये है माँ दुर्गा। पर
वैसे तो इस मंदिर का लोकेशन बहुत ही सिंपल है, ये दुर्गा कुंड पे है, दुर्गा मंदिर के बहुत ही पास में है। यहाँ पे आने का एक और फायदा है कि यहाँ पे आसपास के ही एरिया में आपको बहुत सारी मंदिर और मिलेगी जो बनारस की बहुत ही मान्यता पूर्ण मंदिरें हैं, लाइक दुर्गा मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, संकट मोचन मंदिर, काशी विश्वनाथ न्यू काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो ये सारी मंदिरें आपको आसपास ही मिलेंगी। सो पूरी मंदिर घूमने के बाद हम कुछ देर यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो मैं बनारस की हूँ बट मैं इस मंदिर में पहली बार आई थी आफ्टर रेनोवेशन और मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुकून भरा एक्सपीरियंस था और इसीलिए मैं ये मंदिर हाईली रिकमेंड करूँगी। अगर आप बनारस में आ रहे हो टूर के पर्पस से तो इस मंदिर को अपनी चेकलिस्ट में ज़रूर रखना। हर हर महादेव। और ये है मणि मंदिर की शान, हमारे महादेव। तो जैसे ही आप मंदिर में एंटर करोगे आपको सबसे पहले दर्शन होगा हमारे महादेव का। ओम नमः शिवाय। तो ये है मंदिर का बाहरी एरिया, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। और आप देख सकते हो कि बाहर से भी ये मंदिर कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारे नंदी महाराज भी बैठे हैं। That's it for this video. I hope कि आपको बनारस के मणि मंदिर को घूम के अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, बिकॉज मैं बनारस से रिलेटेड ऐसे वीडियोज बनाती रहती हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। Thank you so much for watching and I'll see you next time. Hi, Hanumanadev. Bye-bye.